सिगरेट की तुलना में बीड़ी से ज्यादा नुकसान होता है। डॉक्टरों का कहना है कि बीड़ी और सिगरेट दोनों से ही कैंसर होता है। ये न केवल पीने वालों की उम्र कम करता है बल्कि कैंसर की ओर धकेल देता है। बीड़ी सस्ती होने के कारण ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पी जाती है। यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट इलाके में देश में सबसे ज्यादा लंग्स, ब्रेन और नेक कैंसर के मरीज है। इन सब बातों से हटकर हमारा ध्यान कभी इन बातों पर नहीं जाता है कि आखिर ये बीड़ी और सिगरेट बनती कैसे है, और आपको बताएंगे कि बीड़ी और सिगरेट में से कौन सबसे ज्यादा नुकसान करती है। तो चलिए आज हम जानते हैं फैक्ट्री में बीड़ी और सिगरेट कैसे बनती है। सबसे पहले जानते हैं बीड़ी कैसे बनती है। बीड़ी एक पतली भारतीय सिगरेट है जो तंबाकू की परत से भरी होती है। ये तेंदू के पत्तों में तंबाकू लपेटकर बनाई जाती है। तेंदू के पत्ते को एक तरफ से धागे से बांधा होता है। ये भारतीय इतिहास से उत्पन्न होता है। बीड़ी नाम मारवाड़ी शब्द बीड़ा से लिया गया है। बीड़ी सुपारी, तंबाकू और तेंदू पत्तों में लिपटे मसालों का मिश्रण है। ये पूरे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में तंबाकू के उपयोग का एक पारंपरिक तरीका है, जहां बीड़ी सबसे लोकप्रिय और सस्ती है। भारत में बीड़ी की खपत सभी तंबाकू उत्पादों की खपत के लगभग 48% हिस्सा है। बीड़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और इसके धूम्रपान से फेफड़ों के तथा मुंह के कैंसर जैसे जानलेवा रोग हो जाते हैं। बीड़ी बनाने की प्रक्रिया। नंबर एक, सबसे पहले तेंदू की पत्तियों को धोया जाता है, फिर इसको बीड़ी के आकार के हिसाब से काटा जाता है। नंबर दो, पत्तों को काटने के बाद इनमें तंबाकू की जरूरी मात्रा डाली जाती है और फिर शंकु का आकार देकर दोनों छोरों को एक तिनके की सहायता से मोड़कर पतले छोर को धागे से बांध दिया जाता है। लीजिए, बन गई बीड़ी। आपको बता दें कि 1000 बेड़ियां बनाने के लिए 800 ग्राम तेंदुपत्ता और 350 ग्राम तंबाकू चाहिए। नंबर तीन, बीड़ी के बंडलों के हिसाब से बीड़ी को बंडलों में डाल दिया जाता है। बीड़ी बनाने में तेंदु के पत्तों को साइज में काटना, तंबाकू मिलाना, बीड़ी मोड़ना, किनारे मोड़ना, धागा बांधना, बीड़ी की गड्डी बनाना और लेबल चिपकाना होता है। नंबर चार, बीड़ी के बंडलों को 24 घंटे के लिए भट्टी के नियत तापमान पर रखा जाता है। भट्टी में से निकाले जाने पर उन्हें हल्के कागज में लपेटा जाता है और फिर ब्रांड का लेबल लगा दिया जाता है। बीड़ी बनाने में उपयोग आने वाले तेंदुए का पत्ता सबसे अच्छी किस्म का जबलपुर में पाया जाता है। तेंदु पत्ता की तोड़ाई और संग्रहण सरकार द्वारा कराया जाता है और बाद में बीड़ी कंपनी को उचित दामों पर बेचा जाता है। तेंदु पत्ता को तोड़ने के बाद गड्डियां तैयार की जाती है। एक गड्डी में करीब 200 तेंदु पत्ता होते हैं। बीड़ी बनाने का ज्यादातर काम घरों पर किया जाता है, जिससे फैक्ट्री नहीं कहा जा सकता और ना ही निर्माता। फर्म एवं कामगारों के बीच मालिक मजदूर के संबंध होते हैं। बीड़ी बनाने की प्रक्रिया के अत्यंत सरल होने और सामान घर से ले जाने की सुविधा नहीं महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। बीड़ी बनाने के काम में 90% महिलाएं हैं। बीड़ी के व्यवसाय में बीड़ी बनाना, उसके पैकेट बनाना, उन पर लेबल चिपकाने का काम शामिल है और इन सभी में कुछ खास तरह का कौशल चाहिए। 17वीं शताब्दी के अंत में भारतीय तंबाकू की खेती शुरू होने के बाद बीड़ियों को बनाए जाने लगा था। शुरुआत में बचा हुआ तंबाकू बीड़ी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। भारत बीड़ी उद्योग में 1930 के दशक के दौरान बहुत तेजी से विकास हुआ। इसका एक कारण उस समय तंबाकू की खेती का तेज विस्तार भी था। भारत में मध्य प्रदेश देश तंबाकू पत्तियां उत्पादन करने वाला राज्य है। प्रदेश का औसत वार्षिक तेंदुपत्ता उत्पादन देश के कुल तेंदुपत्ता के वार्षिक उत्पादन का लगभग 25% है। ये पत्ते तेंदु के पेड़ डायोस्पाइरोस मौलाना सिलोन से प्राप्त होता है, जो एबेनेसी परिवार का पौधा है और भारतीय उपमहाद्वीप की प्रजाति है। तेंदु नेपाल, भारतीय पठार, गंगा के पठार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी समुद्र तट में मालाबार तक तथा पूर्वी समुद्री तट पर पाया जाता है और प्रजाति दक्षिण में नीलगिरी एवं सेरावली पहाड़ों में भी पाई जाती है। तेंदू पत्ता आसानी से लपेटे जाने वाले गुण एवं आसानी से उपलब्धता के कारण बीड़ी बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पत्ता माना जाता है। तेंदू पत्ता के गुणों के कारण इस पत्ते को बीड़ी बनाने के लिए ज्यादा आसान माना जाता है, जैसे कि पत्ते का मोटापन, आकार और बीड़ी बनाते वक्त टूटता भी नहीं। तेंदू पत्ते के संग्रहण के लिए सारी जगह एक ही प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तेंदू पत्ते एकत्रित करके 50 से 100 पत्तों के बंडल में बांध दिया जाता है, फिर लगभग एक सप्ताह तक धूप में सुखाया जाता है। सूखी गड्डियों को कोमल बनाने के लिए पानी से खींचकर जूट के बोरों में भर दिया जाता है और फिर से 2 दिन तक धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। तेंदुपत्ता की तुड़ाई और भंडारण में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
एक शोध में पाया गया है कि बीड़ी उद्योग से जुड़े प्रत्येक परिवार द्वारा अपना काम बच्चों में बांट लिया जाता है। इससे बड़े परिवार की आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। बीड़ी उद्योग की एक विशेषता ये है कि इसमें महिलाओं एवं बच्चों को काम मिल जाता है। आपको बता दें कि बीड़ी निर्माण से जुड़ी महिलाएं अपना सामान्य घरेलू काम जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना आदि काम भी करती रहती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे बनाई जाती है बीड़ी। अब बात करते हैं फैक्ट्री में सिगरेट कैसे बनती है। दोस्तों, सिगरेट का सबसे महत्वपूर्ण घटक तंबाकू है, जो दो किस्मों में होता है, निकोटियाना तबेकम या संवर्धित तंबाकू। निकोटियाना रस्टिका या जंगली तंबाकू पश्चिमी गोलार्ध के मूल निवासी भारत, ब्राजील तथा पूर्व सोवियत संघ, तुर्की और यूएई जैसे देशों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। अब बात करते हैं तंबाकू से सिगरेट कैसे बनती है। सबसे पहले तंबाकू के पत्तों को दबाया जाता है और काटा जाता है। अतिरिक्त स्वाद देने के लिए फलों के रस या मेंथोल जैसी सामग्रियों में भी मिलाया जाता है। इसके बाद तंबाकू को सिगरेट के कागज के रोल में डाला जाता है। मशीन से कागज के रोल को तंबाकू के साथ काटा जाता है। फिर मशीन से ही प्रत्येक सिगरेट के एक छोर से फिल्टर को लगा दिया जाता है। आधुनिक सिगरेट मशीनें एक सेकंड में 25 से 30 सिगरेट का उत्पादन कर सकती है। सिगरेट की पैकेजिंग। सिगरेट निर्माण का लास्ट प्रोसेस पैकेजिंग है। सिगरेट के एक पैकेट में 20 सिगरेट पैक की जाती है। हार्ड या सॉफ्ट पैक को मशीन से सील किया जाता है और डिब्बों में रख दिया जाता है। सिगरेट का फिल्टर। फिल्टर को आमतौर पर पतले फाइबर के बंडलों से बनाया जाता है। फिल्टर सिगरेट के पकड़े हुए छोर पर स्थित होती है और फिल्टर का काम सिगरेट पीते वक्त धुएं की मात्रा को कम करना है। आधुनिक सिगरेट फिल्टर धुएं के एक मामूली हिस्से को सांस लेने से रोकता है। सिगरेट का टिपिंग पेपर। सिगरेट के चारों ओर लपेटा गया हिस्सा टिपिंग पेपर है। इसमें छोटे वेंटिलेशन छेद होते हैं। वेंटिलेशन छेद का उद्देश्य ताजा हवा को धुएं के साथ मिश्रण करना है, जिसमें रसायनों के जहरीले मिश्रण को पतला करना है। लेकिन वेंट छेद आमतौर पर ऐसी जगह स्थित होते हैं जहां से आप सिगरेट पकड़ते हैं, जो अक्सर आपकी उंगलियों या होठों द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे वह अप्रभावी हो जाते हैं। सिगरेट पेपर और तंबाकू का भराव। फिल्टर और टेपिंग पेपर के नीचे सिगरेट पेपर होता है, जिसमें सिगरेट को जलने पर नियंत्रित करने के लिए इसमें केमिकल मिलाया जाता है। सिगरेट के कागज के भीतर ही तंबाकू भरा होता है, जिसमें कटे हुए तंबाकू के पत्ते, तना, पुनर्नवा के टुकड़े शामिल होते हैं। सिगरेट तंबाकू। इस जानकारी को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सिगरेट सिर्फ कागज में लिपटा हुआ तंबाकू नहीं है। इसके डिजाइन और सामग्री इसे आकर्षक और व्यसनी बनाती है, और जब आप इसके धुएं को अंदर लेते हैं तो आप सिगरेट के हर कश को ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।